हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑसेंटिक राइडर। अगर आप ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मोटरसाइकिल के ऊपर बहुत टेक्निकल बातें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो सोचिए गाइस, आप राइडिंग कर रहे हैं और अचानक जो आपका क्लच का जो वायर है यहाँ से, नहीं तो यहाँ से ये जो वायर आप देख रहे हैं ये टूट गया, तो आप राइडिंग कंटिन्यू कैसे करेंगे? आपको एटलीस्ट घर तो पहुंचना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट ऐसा कोई गैरेज, ऐसे कोई मैकेनिक के पास तो पहुंचना पड़ेगा, तब तक के लिए जब तक ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व ना हो जाए। तो उस दौरान आप राइड कंप्लीट कैसे करेंगे? तो पहले आप राइडिंग के टाइम में अगर आपको लगता है कि क्लच वायर आपका टूट गया है तो पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट बात है कि आप बाइक को रोक भी सकते हैं, या अगर टेक्निक आपको पता है तो आप कंटिन्यू भी राइडिंग कर सकते हैं। टेक्निक इसमें यह है, आपको यहाँ पे क्लचलेस डाउन शिफ्टिंग और अप शिफ्टिंग टेक्निक आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब ये क्लचलेस है क्या, नाम से पता चलता है क्लच हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। बिना क्लच किए हम लोग बाइक को स्टार्ट करेंगे। हम लोग फर्स्ट टू जितना भी गियर आपका हाई में है आप जा सकते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आप किसी भी गियर शिफ्ट कर सकते हैं। और बाइक जब आपको रोकना हो तो आपको क्लचलेस डाउन शिफ्ट भी करना है, मतलब बिना क्लच यूज किए आपको डाउन शिफ्ट करना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है अगर आप रेव मैचिंग ठीक ठाक से अगर कर लेते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा एटलीस्ट मंथ में दो बार बिना क्लच यूज किए आप बाइक को एक बार राइड करके प्रैक्टिस एटलीस्ट जान के रखिए ये कैसे काम करते हैं, ताकि अगर आप कहीं पे फंसते हैं, अगर आपका कोई दोस्त फंसता है तो आप वहां से बाइक को रिकवर करके घर या नजदीकी कोई गैरेज में आप ले जा पाए। तो आप ये करेंगे कैसे? तो जो डिफिकल्ट पार्ट ये है, स्टैंड स्टिल पोजिशन से बाइक को मूव करवाना, ठीक है। तो मान लेते मेरा क्लच वायर टूट गया है, मेरा क्लच काम नहीं कर रहा है, तो बाइक को मैं चालू करूंगा किक स्टार्ट से, ठीक है। बाइक अभी मेरा चालू हो गया है और बाइक को मैं थोड़ा मूव करूंगा, मैं ठोकलूंगा ताकि थोड़ा फ्री मूवमेंट मुझे मिल जाए और फर्स्ट गियर देके मैं निकल जाऊंगा। तो अभी मैं पैर से यूज कर रहा हूँ, देखिए फर्स्ट गियर मैंने दे दिया, क्लच यूज नहीं किया और बाइक चालू। अब आप सेकंड गियर में जाएंगे कैसे, क्योंकि क्लच वायर तो आपका टूट गया है। मतलब जिस स्पीड में आप एटलीस्ट गियर चेंज करते हैं वही स्पीड को मेंटेन करके आपको गियर को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो जो गियर पोजीशन है, जो गियर लीवर है, उसको आपको ऊपर की तरफ ढकेल के रखना पड़ेगा, क्योंकि गियर आपका ऊपर है। जिस बाइक में जैसे है, अगर सेकंड गियर आपको नीचे में, तो आप नीचे पुश करके रखिए, फुल फोर्स मत दीजिए, जस्ट पुश दे के रखिए। और जब भी आप हाई रेव देंगे तो इमिडिएटली जो आपका एक्सीलेटर है वो थोड़ा डाउन करेंगे, थ्रोटल को आप थोड़ा छोड़ेंगे और इमिडिएटली आपका गियर को शिफ्ट करेंगे। तो देखिए अभी मैं फर्स्ट में हूँ, सेकंड में मैं जा रहा हूँ, मैं रेव दिया, पुश दे के रखा हूँ और ये सेकंड में चला गया, ठीक है। बस आप सेकंड से थर्ड, अब सेकंड से थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके मुझे चेंज करना है। तो सेकंड है, मैं अभी अप शिफ्टिंग कर रहा हूँ। ये है क्लचलेस अप शिफ्टिंग टेक्निक, ये रेसिंग टेक्निक भी यूज होता है, ठीक है। लेकिन अभी आप फंस गए हैं रोड में, तो आपको यही टेक्निक बाइक को रिकवर करने के लिए आप यूज करेंगे। तभी सेकेंड गियर में हम लोग जा रहे हैं और सेकेंड से हम लोग थर्ड में जाएंगे विदाउट यूजिंग क्लच, ठीक है। तो मैं लीवर को पुश करके रखा हूं ऊपर और मैं थोड़ा रेव हाई कर रहा हूं और इमीडिएटली थ्रॉटल को थोड़ा डाउन करके मैं गियर पोजीशन को चेंज कर दूंगा। ये हो गया थर्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अप शिफ्टिंग तो हो गया, अब आपको बाइक को रोकना है विदाउट यूजिंग क्लच, ठीक है। तो अब डाउन शिफ्टिंग करना है, क्लचलेस डाउन शिफ्टिंग मुझे करना है। तो ठीक, अप शिफ्टिंग के ऑपोजिट हम लोग करेंगे। जैसे थ्रॉटल को मैं डाउन कर रहा था, यहाँ पे जब मैं ब्रेक देके, यहाँ पे जब मैं ब्रेक देके बाइक को मैं स्लो करूंगा, तो थ्रॉटल को थोड़ा रेव करना है, हल्का सा एक ब्लिप देना है, ब्लिप देके डाउन शिफ्ट, ओके। तो अभी जैसे मैं फिफ्थ में हूँ,
तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा लेता हूँ क्योंकि ये स्पीड सही नहीं है गियर को चेंज करने के लिए, स्मूथली गियर को चेंज करने के लिए। तो अभी रोड थोड़ा कंजेस्टेड हो गया इसलिए मैं टेक्निक आपको दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं हाईवे में बाइक चला रहा हूँ। ठीक है, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं डाउनशिफ्ट करने वाला हूँ, प्रोसीडियर सेम है, मैं लीवर को डाउन प्रेस करके रखूंगा और जो थ्रॉटल है उसको थोड़ा रेव दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं फिफ्थ गियर में हूँ, फिफ्थ से मैं फोर्थ में आऊंगा। तो लीवर को प्रेस करके रखा हूँ, एक्सीलेटर मैंने छोड़ दिया, फोर्थ में आ गया। थर्ड, आप देख सकते हैं थर्ड में हूं, अब मुझे सेकंड में आना है। सेकंड, फर्स्ट, ब्रेक देके आप बाइक को रोक लिया। तो गाइस ये जो टेक्निक मैंने दिखाया विदाउट यूजिंग क्लच, मैंने जो गियर अपशिफ्टिंग और डाउनशिफ्टिंग मैंने जो किया है इसे कहते हैं क्लचलेस डाउनशिफ्टिंग एंड अपशिफ्टिंग। ठीक है, तो ये टेक्निक आप यूज करके बाइक को आप रिकवर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अपशिफ्टिंग के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है। जनरली जो अपशिफ्टिंग टेक्निक है एक ये रेसिंग टेक्निक है, जो रेसर लोग हैं जो लेफ्ट हैंड कम करना चाहते हैं वो लोग जनरली क्विक शिफ्टर नहीं तो आप बोल सकते हैं ये क्लचलेस अपशिफ्टिंग टेक्निक यूज करते हैं ताकि जो टाइम डिले जा रहा है गियर को चेंज करने में वो मिनिमाइज कर पाए और जल्दी से जल्दी एक्सीलरेशन गेन कर पाए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर कभी आप ये टेक्निक यूज किए हैं या नहीं किए हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच विद ऑसम टेक राइडर। थैंक यू।